If one of its diagonals is 6 centimeter, one of its diagonals is 6 centimeter, then find its area. क्या करें? यस, आपको पैरामीटर 20 गिवन है, तो साइड आ जाएगी यहां से कितनी आएगी? साइड विल बी 5. उसके बाद वन ऑफ द डायगनल्स इज 6 सेंटीमीटर. मान लो ये डायगनल ले लिया मैंने 6, इट्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 3. तो यू कैन फाइंड आउट दिस, ये आ जाएगा, इसका डबल कर लोगे डायगनल की लेंथ आ जाएगी, बोथ ऑफ द डायगनल्स यू आर हैविंग, तो यू कैन फाइंड आउट इट्स एरिया. बताइए कितना आएगा? डायगनल वन हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो लेट अस नेम दिस एज ए बी सी डी एंड ओ. सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये लिखना नहीं है आप लोगों ने, जब अगर इन केस एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप जस्ट डायरेक्टली सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ. ए ओ है आपका 3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ 6 हो जाएगा, ठीक है. देन ए बी आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 5 गिवन नहीं था हमें, पैरीमीटर 20 गिवन है, तो यू नो दैट पैरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 times साइड, तो साइड आ जाएगी आपके पैरामीटर बाय 4, यानी कि 20 by 4, दैट इज 5 सेंटीमीटर. गॉट इट? साइड 5 आ गई, डायगनल पूरा लेंथ आपके पास 6 था, डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस जो है दे बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाली लेंथ जो है आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गई. अब आप इस ट्राइंगल में अगर लेके चलोगे, दिस डायगनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑल्सो, तो ये एंगल आपका 90 degree का है, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये निकाल लोगे. सो दिस बी ओ विल बी 4 सेंटीमीटर. √13 क्यों? हां जी, क्या कह रहे हो बच्चे? क्या निकाल सकते हैं? हाँ, फिर उसका डबल कर दोगे, एक ही बात है. ओ बी यू आर गिवन एज 3, ओ बी यू आर टू कैलकुलेट, ओ ए इज गिवन टू बी 3, दिस इज 5, तो 25 - 9, दैट इज 16, तो ओ बी आपके पास आ गया 4. अब ओ बी 4 है, यानी कि सेकेंड डायगनल की जो लेंथ है ट्वाइस ऑफ 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर. अब दोनों डायगनल्स आ गए, तो यू कैन फाइंड आउट द एरिया, हाफ इंटू D1 × D2, पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर. कर सकते, बिल्कुल कर सकते. चलें आगे. साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड टू द फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड टू द लॉन्गेस्ट साइड करेक्ट अप टू 2 places ऑफ डेसिमल्स. आपको गिवन है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 17, 25 एंड 26. इज इट फॉर्मिंग अ दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट 17, 25 and 26? Yes. कैसे? Sides of a triangle are 17 centimeter, 25 centimeter and 26 centimeter. The length of the altitude to the longest side, this you have to find it up to correct 2 places of decimal. Options are 15.69, 13.59, 12.23, 10.59. 15.69, 13.59, 12.23, 10.59. क्या करेंगे जी?
लग रही है, पहले तो ये चेक करो ना ट्रिपलेट है या नहीं, तभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, नहीं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, नहीं तो क्या यूज करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला चेक कर लो। हाँ जी, हाँ जी लगा दो, क्या आएगा, बिना चेक किए कि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द एरिया। थर्टी फोर ओके। अब एरिया निकाल लें, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे मैं हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड कर लूं, लॉन्गेस्ट साइड पे आपको एल्टीट्यूड निकालना था, तो लॉन्गेस्ट साइड को मैंने बेस ले लिया 26, इस पे ये एल्टीट्यूड है, यानी कि दिस विल बी द हाइट विच आई हैव टू कैलकुलेट। सेम ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। गॉट दिस क्लियर? अब बेस 26 था तो ये 13 हो गया कैंसिलेशन करके, दिस इज 34 इंटू 17 इंटू 9 इंटू 10, कौन बोला, 34 को स्प्लिट करो 2 इंटू 17, तो 17 बाहर आ गया, 9 का रूट 3, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 8 है, 2 8 का 16 का बाहर आ गया 4, ठीक है, और ये 13 अपॉन में आ जाएगा, नाउ फाइंड इट करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ऑप्शंस आर विद यू, टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। टू हंड्रेड फोर डिवाइडेड बाई 13, डू द कैलकुलेशन, ये नहीं देखो कि कोई और करके आंसर बताएगा, अपनी अपनी कैलकुलेशन करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आंसर, सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। यहाँ पे जो डेसिमल्स वाले का डिफरेंस है बहुत ज्यादा गिवन है, इन योर क्वेश्चन पेपर आंसर कैन बी वेरी क्लोज, सो यू आर टू डू योर कैलकुलेशंस वेरी केयरफुली। नाउ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ईच ऑफ द इक्वल साइड्स of an isosceles triangle is 2 cm greater than its height, is 2 cm greater than its height। isosceles triangle आपको given है, उसकी जो equal sides हैं वो उसकी height से 2 cm ज्यादा given है। हाइट अगर एच है, एच प्लस टू, देन इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया, इफ द बेस ऑफ दिस इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ऑप्शंस 18, 20, 30, 48, 18, 20, 30 एंड 48। हाँ जी क्या करें, कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं, क्या आएगा, ओके। हाँ जी कितना आया ये, क्वेश्चन दोबारा सुन लो, इफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 2 cm greater
देन इट्स हाइट. ईच ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल साइड्स मैंने ले ली, दिस इज 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट. तो हाइट h मान ली, तो ये h प्लस टू हो जाएगा. इफ बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया. कितना आया ये 2h प्लस बाय 2 भी तो है. कैसे 16 प्लस 2h बाय 2 क्या बना 8 प्लस h. अब एरिया अब अगला ये 8 प्लस h माइनस 2 कितना रह जाएगा 8 प्लस h सेमी पेरीमीटर है माइनस फर्स्ट साइड. h प्लस 2 थी ना फर्स्ट साइड, तो माइनस h माइनस 2 हो जाएगी. ये आपका कैंसिल आउट, 8 माइनस 2 इज 6. अगला भी h प्लस 2 साइड है तो ये भी कितना आ गया 6. अगली साइड कितनी है 12. तो 8 प्लस h माइनस 12 दैट इज h माइनस 4. हाँ जी, क्या करेंगे आगे? अच्छा 6 ऐसे ही बाहर ले लिया, चलो क्या रह गया h प्लस 8 इंटू h माइनस 4 प्लस हो रहा है ना बीच में. इधर ये ले सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है. ये कट गया, ये 6 और ये 6 भी कट कर दे, क्या रह गया h इज इक्वल टू रूट h प्लस 8 इंटू एच माइनस 4. अब रूट हटाने हैं, क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पहले रूट हटाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो. एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस 8 इंटू एच माइनस 4. अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? अब मैंने एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 8h माइनस 32. एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट. ओके, यहाँ ध्यान रखना है आपने, जब ये ऐसे कैंसिलेशन करते हो इक्वल टू के दोनों साइड पे सेम चीज होनी चाहिए, साइन सेम होने चाहिए. अब अगर मैंने ये डायरेक्ट कट कर दिया है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0. ठीक है, जब सिंगल टर्म में आप कट करते हो, दोनों तरफ सिंगल टर्म्स हैं, तब कैंसिलेशन में राइट हैंड साइड या डिनोमिनेटर में लेके आते हो, राइट हैंड साइड 1 बनती है. यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या किया, इस वाले एच स्क्वायर को हम इधर ले गए तो माइनस हो गया ये. ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज 0. तो मैंने ये डायरेक्ट कट कर दिया. अगर ऐसे कंफ्यूजन लगती है, इस वाले एच स्क्वायर को उधर ले जाके फिर आप 0 कर दो. रह क्या गया आप मेरे पास 4h माइनस 32. ठीक है, h कितना आ गया, h 8 आ गया. अब निकालना क्या था मुझे, तो एरिया का क्या फॉर्मूला लगाओगे? पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 48, आगे जो भी यूनिट था सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. कुछ लिखने की जरूरत तो है ही नहीं, है ना, ओरली सब कुछ कर लेना है हमने. डन, मेथड क्लियर. जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं मैं वो नहीं करवा रही हूं आपको. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 मीटर, साइड्स आर इन द रेशियो 5:6:7. स्नेहा यू आर नॉट राइटिंग इवन अ सिंगल वर्ड. जितनी बार भी मेरी नजर आप पे गई है, मुझे आप लिखते हुए नहीं दिखे. 180. पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 मीटर, इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 5:6:7. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल.
रेशियो है तो कॉमन फैक्टर मान लोगे, पैरामीटर आपको गिवन है तो कॉमन फैक्टर की वैल्यू आ गई। तो 5x प्लस 6x प्लस 7x, सम ऑफ साइड्स कितना गिवन है 180। x 10 आ गया तो साइड्स क्या आ गई 50, 60 एंड 70। सेमी पैरामीटर कितना आ गया 90। पैरामीटर 180 है तो सेमी पैरामीटर बाय 2 करके 90। अब एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फोर्टी इंटू 30 इंटू 20, जीरोस कितने हैं टोटल 4, बाहर कितने आएंगे 2। ये 2 जीरोस लगा दिए, 9 बाहर आएगा 3 और 4 बाहर आएगा 2, 3 और 2 रह गए तो दैट इज रूट 6। तो ये आ गया 600 रूट 6। सो दिस इज योर आंसर, 600 रूट 6 मीटर स्क्वायर। The base of an isosceles triangle is 24 centimeter. Base of an isosceles triangle is 24 centimeter and its area is 192 centimeter square. Area is 192 centimeter square. Base is given to be 24 centimeter. Area is 192 centimeter square. Triangle is isosceles. Find the length of one of equal side. Find the length of one of the equal sides. हाँ जी, क्या करेंगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया 192 गिवन है, बेस 24 गिवन है, हाइट आ जाएगी कितनी आएगी? आप क्या करोगे? ये 16 आ गया आइसोसेलेस फ्रंट। क्या? हाँ, अच्छा उसके लिए कह रहे हो, हीरोन्स फॉर्मूला के लिए। ओके तो हाँ वो भी कर सकते हो आप। एल्टीट्यूड गिवन है ना, ये 90 डिग्री हो गया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एल्टीट्यूड जो है आपका, ये 1:1 में डिवाइड करते हैं। एंगल बाई सेक्टर 1:1 में डिवाइड करते हैं ना, उसकी साइड हमें नहीं पता है, तो यू गो फॉर हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या आएगा? सेमी पैरामीटर आ गया 12 प्लस x। हाँ जी बेटे, बेटे उसमें क्या होता है, आपको बेस चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे बेस नहीं है, मुझे जो यहाँ पे गिवन होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर मुझे यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर गिवन होता है, देन दिस डिवाइड्स दिस ऑपोजिट साइड इन द रेशियो 1:1। अब यहाँ वाला मुझे एंगल नहीं पता कि वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है, दैट आई एम नॉट श्योर। हाँ जी ठीक है, क्या आएगा आगे? एरिया इज इक्वल टू 12 प्लस x। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 12 प्लस x माइनस x 12, यहाँ पे भी 12,
यहाँ पे क्या आएगा? एक्स माइनस ट्वेल्व। अब तीनों ट्वेल्व कैसे? प्लस है बीच में, ऐसे नहीं बाहर ले सकते। बीच में जब प्लस या माइनस है, एक नंबर आप बाहर नहीं लोगे। हाँ, दो में से बाहर आ गया एक, ठीक है। क्या रह गया यहाँ पे? x प्लस ट्वेल्व, एक्स माइनस ट्वेल्व, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 144। इधर का आ गया 16। इसकी जरूरत थी, अब आपको देख के लग रहा होगा। वॉज देयर एनी नीड टू डू दीज कैलकुलेशंस? इसके बिना भी हो रहा है, यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो मतलब आपका टाइम वेस्टेज वाली है, जिसका कोई रोल नहीं है, आगे कहीं यूज नहीं हो रहा, वो पार्ट स्किप करो। गॉट इट? बताओ क्या आएगा आप? 16 इज इक्वल टू रूट, हाँ जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 16 का रूट। और इधर क्या आ गया? इधर क्या आ गया? साइड कितनी आ गई? 20। क्लियर? तो बिना हाइट निकाले भी साइड आ रही है। एरिया गिवन है, वन ऑफ द साइड्स गिवन है, बाकी दोनों साइड्स इक्वल आपको गिवन है, तो यू विल यूज द किरोन्स फॉर्मूला फॉर दैट। चले आगे। नाउ वी आर गिवन अ फिगर एंड वी आर टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। We are given the three sides, 120 centimeter, 122 centimeter and 26. ये 26 या 28 है, misprint है, देख लेते हैं किससे हमारा बनता है। और इसी के बीच में एक triangle हमें given है, ये 26 ही होगा। 10, 24, 26. Is it forming a triplet? 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 24 स्क्वायर टिप्स पे होने चाहिए ये सारे, 576। और 576 प्लस 100, 676 किसका स्क्वायर है? 26 का। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये साइड 26 मींस करेक्ट है। अब ये एरिया मेरा शेडेड है, हाउ टू फाइंड इट्स एरिया? बड़े का माइनस करेंगे कि बड़े में से माइनस करेंगे? बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर दोगे, तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी, सिर्फ ये, इसकी तो तीनों साइड्स गिवन है। एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। ये आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो सीधा मैंने लगा दिया बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब ये आगे वाला पार्ट कैलकुलेट करो और बताओ। हाँ जी, ऊपर वाला, हाँ जी, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया यू विल फाइंड आउट यूजिंग द हिरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि वो 90 डिग्री आपको गिवन नहीं है। So what is the semi-perimeter? 134. So area 134 into इसमें से 120 माइनस किया, तो दिस इज 14
122 माइनस किया तो 12, 26 माइनस किया तो 108। चलिए क्या आएगा अब आगे? हंड्रेड एट और 12, 36 का बन रहा है स्क्वायर। 108 कैन बी रिटन एज 12 नाइन्स आर, ठीक है, तो 12 दो बार और 9 का रूट इज 3, तो 36 बाहर आ जाएगा। बाकी को चेक करो क्या रह गया। ये 108 को मैंने लिख लिया 12 इंटू 9, ये दोनों बाहर लेके 12 इंटू 3। अब 134 और 14 में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 134 एंड 14। हाँ जी, ऊपर कर दूं, फिगर कर दूं इरेज। बाकी क्या रह जाएगा? यहाँ पे 108 था, उसको मैंने ये स्प्लिट कर दिया। 12 दो बार था, रूट से बाहर आके एक बार। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, यहां से क्या बाहर आ रहा है आपका? और 2 आ रहा है, रूट 2 या 2? 2 कॉमन है दोनों में, के 2 2 कॉमन है। ओके, क्या रह गया, कितना आएगा? 449 लॉन्ग डिवीजन की हुई है 8 में, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, फाइंड इट्स रूट। 449 का रूट अप टू 1 डेसिमल प्लेस यू कैन फाइंड आउट। बी क्विक, यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन। कहाँ की है? हाँ, 21 पॉइंट, आगे एक डेसिमल और निकाल लो। कौन से 4? हाँ जी, ठीक है ना, 41 वन सा बन गया, ठीक है। फिर आगे दो जीरोस लगाओगे ना, डेसिमल लगाया तो पेयर में जीरोस लगते जाते हैं। 800 हो गया। अब उधर से 41 का डबल करोगे तो कितना आया? 82। हाँ जी, 4-6 है यहाँ पे, यहाँ पे 469 आ रहे हैं। ये चेक कर लो बच्चे, 469। अब 469 का निकालो, वन पे जाएगा, देन डेसिमल लग गया तो टू जीरोस आ गए यहाँ पे, सो दिस विल बी 42। अब चेक करो किस पे जा रहे हैं, 6 पे। तो दिस इज 21.6 अप्रोक्सीमेटली। मैंने आगे नहीं निकाला कि वो उससे बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। चलो अब ये करके बताओ अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है। बी क्विक, अप्रोक्सीमेट आ रहा है, चेक करो।
मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, कितना आंसर आ रहा है दैट विल बी योर आंसर। कर लोगे अब आगे कैलकुलेशंस? ठीक है, सो नहीं हुआ तो वी विल डिस्कस इट टुमारो, द लास्ट पार्ट वी विल डू टुमारो। 1 5 1 5 2 जितना भी आ रहा है दैट विल बी योर आंसर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर नहीं हुआ तो वी विल डिस्कस दिस आंसर टुमारो।